तो दोस्तों ये है एक लाइट स्टैंड और फ्लोर लैम्प। ये यूपीवीसी पाइप से मैंने बनाया है। अब देख पा रहा है ये एल्बो है, इसके लिए टी भी लगेगा और कपड़ा भी। ये मैंने एक बेस बनाया है, आप ऐसे करके बनाएंगे। अंदर जो जॉइंट है उसमें छोटा पाइप काट के आप जॉइंट कीजिएगा एक के साथ एक आपका हिसाब से। ये जो मैंने लाइट जो बनाया है, ये लाइट आपको आसानी से मिल जाएंगे नज़दीकी दुकान पे। और मैं ग्लू से लगाया, इसके लिए एक टी मैंने कट के ऊपर लगाया है। ये टी जो है कट के मैंने इसको लगाया है स्क्रू से। देख पा रहे हैं आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। ये मैंने एक 2 इंची पाइप को काट के बनाया है। तो ये जो बेस है आपका हिसाब से बनाएंगे। ज़्यादा लंबा कीजिएगा तो लाइट, तो आपको ये बेस थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ऐसे एक वायर जो है काट के होल करके इसका अंदर डाल दीजिएगा और आप स्टेप बाय स्टेप देख पाएंगे कैसे मैंने किया। ये आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। ये पाइप जो है 1/2 इंची का पाइप, ये पूरा सेटिंग ही 1/2 इंची का है, आप आराम से मिल जाएगी। इसका कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आता है। और आपका घर का जो कलर है इसके हिसाब से आप इसको पेंट कर सकते हैं आराम से। ये एक मॉडर्न लाइट होगा आपका घर पे। आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। दोस्तों इसका जो हाइट है, मैंने 2 पाइप काट के बीच में से ये कपलर दे के मैंने इसको ऐड किया है। ये जो है कपलर है, ताकि मैं कहीं भी कभी भी इसको खोल सकता हूँ। एक लंबा पाइप रहेगा तो उसको दिक्कत आएगा बीच में से कभी ज़रूरत पड़े तो इसको मैंने 2 भाग से डिवाइड किया। एक कपलर देखा, वो भी 1/2 इंची का ही है। तो ये हो गया आपका बेस और स्टैंड। अभी के लिए इसका कनेक्ट करना, लाइट का जो सेट है इसका कनेक्ट करना पड़ेगा। इसे वायर दे के अंदर डाल के, ये मैंने पहले कहा था आपको 2 इंची पाइप है खाली लाइट को जो हेड जो है इसका, ये बनाने के लिए 2 इंची पाइप बीच में काट के और ग्लू दे के मैंने इसको स्टिक किया ये लाइट को। ऐसे अंदर डाल के आप आराम से बना सकते हैं ये लाइट। ये लाइट 9 से 12 वाट तक आपको रोशनी देगा। बहुत बेहतरीन क्वालिटी का ये लाइट है। कनेक्ट करना है इसको 2 तार के बीच में। ये जो लाइट है, मैंने 5 लाइट इसको यूज़ किया। इसके पीछे एडेसिव लगा हुआ रहता है। बहुत बेहतरीन क्वालिटी का ये लाइट है। मैंने 5 सिर्फ यूज़ किया है। 12 वोल्ट का पावर इसमें लगता है। ये जो देख पा रहे हैं, ये बोथ साइड टेप लगा हुआ रहता है इसका। जस्ट आप खोलिए उसको और वो पाइप के ऊपर चिपका दीजिए ऐसा। तो मैंने इसको ऊपर भी ग्लू लगाया ताकि अच्छी तरह से वो स्टिक रह सके, उधर खोल ना जाए। मैंने 5 ही लाइट यूज़ किया है ऐसे कनेक्ट करके। और जो मेरे ग्लू गन है वो ग्लू दे के मैंने इसको एक एक करके लाइट लगाया। मैंने ये लास्ट लाइट जो है और कनेक्ट जो तार कनेक्ट किया है जोड़ के मैंने इसको लगा दिया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये 12 वोल्ट का है। ये सोलर पे भी चलेगा और आपका 12 वोल्ट कोई भी लिमिटर हो चलेगा, बैटरी पे भी चलेगा।
तो दोस्तों ये देखिए मैंने आपको कनेक्ट करके देखा हो, ये 12 वोल्ट का है, बैटरी से लगा हुआ है मेरा। देखिए कितना खूबसूरत है, कूल डे वाइट जो होता है ना वही। पीछे का लाइट मैं बंद कर दे रहा हूँ ताकि और समझ में अच्छी तरह से। देखिए कितना खूबसूरत लाइट है, 9 वाट से 12 वाट रोशनी आपको आराम से दे देंगे। ये मेरा जो बैटरी सेटअप है इससे लगा हुआ है, बिल्कुल मत इसी पे डायरेक्ट मत दीजिए, ये डीसी का ही है, एसी पे बिल्कुल मत दीजिए। बहुत खूबसूरत है, ऊपर का आप फ्लेक्सिबल है, किसी भी तरह मोड़ सकते हैं। दोस्तों अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले आपसे और मैं अच्छे अच्छे वीडियो और बनाते रहूं और डालते रहूं यूट्यूब पे। दोस्तों आप ऐसे यूपीवीसी पाइप से और भी थोड़ा सा डिज़ाइन करके बना सकते। देखिए मैंने दो और भी किया है और कलर भी किया है, कितना खूबसूरत लग रहा है देखिए।